मेरे तसव्वुर में तुम रोज आती हो, चुपके से तुम आकर मेरा घर सजाती हो। सजनी बड़ा प्यारा ये रूप है तेरा, गजरे की खुशबू से महका है घर मेरा। आंखों से अब तेरी काजल चुराना है, आंखों से अब तेरी काजल चुराना है। पल भर की जुदाई फिर लौट आना है, साथिया संग दिल रहेगा तेरा प्यार, साथिया रंग लाएगा इंतजार। एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिनका गाना भी आपको मैंने सुनाया, क्या आपको मालूम है जब एसपी भी अच्छा संगीत सुनते तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते। एक बार की बात है जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे और साइकिल से कॉलेज जाते, और वॉकमैन था उनके पास में, और रफ़ी साहब का एक सॉन्ग सुनते वो कॉलेज जाते, दीवाना हुआ बादल। उसके गाने की एक लाइन पर पर्टिकुलरली उनकी आंखों से आंसू आने लगते। उनको ऐसा लगता है कि ये आवाज़ भगवान की आवाज़ है और वो अंदर तक उसको फील कर पाते। इनफैक्ट वो अपने संगीत से, अपने काम से इतना प्यार करते कि इस मॉडर्न एज में भी अपने गाने को वन टेक में गाते। जब वो चेन्नई एक्सप्रेस के सॉन्ग के लिए विशाल शेखर के पास गए तो जाकर अपने नोटेशंस लिखे और थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाकर उस गाने को प्रिपेयर किया और आकर कहा कि चलिए शूट करते हैं, और गाने की जो रियल लेंथ या टाइमिंग है उतने टाइम में गाने गाकर को निकल गए। जब आप अपने काम से इतना प्यार करते तो फिर आपको शॉर्टकट्स ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो आज के जनरेशन के जितने भी लोग इस वक्त मुझको सुन रहे हैं, यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ वही काम करें जिससे आप प्यार कर सकते हैं या प्यार करते हैं, और दूसरा जब उस काम को करें तो पूरी शिद्दत से करें, तब आप हमेशा सक्सेसफुल ही होंगे। यही मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अगली बार आरजे नवनीत फिर एक और अनप्लग्ड सॉन्ग और स्टोरी के साथ यहाँ पर आएगा। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब फॉलो जो भी होता है ना, करते रहा यार।